एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं टैली में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस टॉपिक में मैं आज कम्प्लीटली आपको टीडीएस क्या है, टीडीएस का कम्प्लीट परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएस एंड टीडीएस टैक्स रेट डिटेल, ये मैं कम्प्लीट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही ये कमिटमेंट किया हुआ था कि जो भी मैं क्लासेस दूंगा वो कम्प्लीटली डीप होगा, मतलब डीपली मैं सारा नॉलेज आपको दूंगा। तो ये मेरा जो टीडीएस का इंट्रो वीडियो है, इसके बाद मेरा जो टीडीएस का वीडियो आएगा वो टैली में हम टीडीएस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, टीडीएस के साथ जो जीएसटी ऐड हो करके हम कैसे उसको डिडक्ट कराते हैं, ये कंप्लीट मैं इसमें बताऊंगा। तो आज के टॉपिक में मैं टीडीएस का कंप्लीट परिचय आपको दूंगा, टीडीएस क्या है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, टीडीएस के टैक्स रेट डिटेल्स क्या है, उसके टैक्स का नेचर क्या है, उस पर कितने परसेंटेज रेट लग रहे हैं, किस पर टीडीएस लगता है, किस पर टीडीएस नहीं लगता, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही होगी, बट मैं और लाउड बोलने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो वीडियो को आप बहुत ही केयरफुली देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, तथा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस प्राप्त होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं टीडीएस। टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इट मीन्स उद्गम स्रोत से कटौती, जहाँ से आप इनकम करते हो, जहाँ से आपका इनकम होता है, आप कि इनकम पर जो कटौती होती है उसे हम टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हम आगे देखते हैं टीडीएस क्या है, उसके बारे में थोड़ा आप जानें। टीडीएस सरकार द्वारा टैक्स लेने का एक इनडायरेक्ट तरीका है जिससे टैक्स की चोरी को रोका जा सकता है। तो टीडीएस का जैसे मैंने आपको बताया पूरा नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसमें आपके डिस्प्ले व्यू पर भी आपको दिखाई दे रहा है टीडीएस का पूरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब हम नेक्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, चलते हैं इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इसका परिचय टीडीएस के बारे में हम और समझ लेते हैं, थोड़ा डीपली समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएस। टीडीएस का परिचय आप देखें, टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस विद एन एम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ इनकम। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, अ पर्सन ऑफ डिडक्टर हु इज लेबल टू मेक पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड नेचर टू एनी अदर पर्सन और डिडक्टी शैल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, रेमिट द सेम इनटू द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द डिडक्टी फ्रॉम हुज इनकम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट क्रेडिट ऑफ द अमाउंट सो डिडक्टेड on the basis of from 26 AS or TDS certificate issued by the deductor। अब इसको हम थोड़ा सा सरल भाषा में समझ लेते हैं कि वाकई TDS को हम क्या कहते हैं, TDS है क्या। जैसा कि इसमें मैंने आप इंग्लिश में, जो हिंदी में समझने वाले लोग हैं उनको, उनके बारे में एक बहुत ही सिंपल भाषा में इसका मतलब समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। TDS का एक सिंपल सा मतलब यह है कि आपकी इनकम का कुछ परसेंटेज आपको इनकम पेमेंट करने वाला जो पेयर होता है, जिसे हम डिडक्टर कहते हैं, उसके द्वारा काटा जाता है आपको, और जिसके अकाउंट से वो डिडक्ट करता है, इट मींस जिसे सैलरी मिल रही है, जिस एम्प्लॉय के अकाउंट से वो टीडीएस डिडक्ट करता है, उसे डिडक्टी के नाम से जाना जाता है। डिडक्टर द्वारा मतलब जो कंपनी है जो आपको सैलरी पे कर रही है, उसके द्वारा टीडीएस काटने के बाद टीडीएस राशि सरकार के खाते में जमा की जाती है। डिडक्टर द्वारा काटे गए टीडीएस को आपके द्वारा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना चाहिए। अगर डिडक्टर द्वारा टीडीएस समय पर सरकार को जमा नहीं कराया गया, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं किया गया, तो डिडक्टर पर इंटरेस्ट चार्ज और पेनाल्टी लगाया जा सकता है। डिडक्टर द्वारा डिडक्टी को सर्टिफिकेट, एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिस फॉर्म का नंबर होता है 16 और 16A, जिसमें काटे गए टीडीएस की पूरी डिटेल रहती है। अगर डिडक्टी को इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है, इट मींस जो टैक्सेबल अमाउंट होता है टीडीएस का, एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है उससे अगर वो कम है, तो
तो डिडक्टी संबंधित असेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल करके टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि टीडीएस का कंप्लीट मतलब क्या है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके रेट डिटेल्स को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपके हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज होता है, और एक तरीके से आप जान लीजिए कि 1 अप्रैल से मई तक लगभग कुछ चेंजेस होते हैं, उसके बाद मई के बाद मतलब एक हाफ ईयरली चेंजेस इसमें हो जाते हैं। तो आप देखें टीडीएस रेट डिटेल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ये जो टीडीएस रेट डिटेल मैंने आपके सामने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का प्रोवाइड किया हुआ है, डिटेल दिया है, वो कब एप्लीकेबल कब के लिए है, 14 मई 2020 से 31-3-2021 तक का है। तो आप देखें इसमें सेक्शन नंबर है, एक कॉलम फील्ड जो है आपका सेक्शन नंबर है, दूसरी फील्ड है आपका नेचर ऑफ पेमेंट, तीसरी फील्ड है थ्रेशोल्ड लिमिट, और चौथी फील्ड है आपका एप्लीकेबल फ्रॉम, जो उसका जो मैंने भी आपको पीरियड बताया मई टू मार्च। इसमें आप देखें नीचे आ जाएं, इसमें मैंने जो रेट डिटेल दिया है एक रेजिडेंस का दिया है और एक नॉन रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल। यहाँ उसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो सीमा है, शुल्क सीमा जो है वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है रेट लिस्ट में। तो आप समझें सेक्शन नंबर, जो इनकम टैक्स सेक्शन नंबर की बात यहाँ हो रही है, 192, सेक्शन नंबर 192 जो होता है वो सैलरी नेचर पेमेंट के लिए होता है। सैलरीज का अपना एक नॉर्मल स्लैब रेट होता है जो आप यहाँ कंपनी निर्धारित करती है, तो यहाँ पर उसका ना कोई लिमिट है और ना ही यहाँ पर कोई निर्धारित रेट है। आप इसी तरीके से 192, इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट रेट्स प्रोवाइड किए हैं जो ज़्यादातर लोगों को समझ में आएगा, और बहुत लंबी लिस्ट होती है इसकी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जा करके आप ले सकते हैं। आप देखें 192 सेक्शन में प्रीमेचर विड्रॉल फॉर ईपीएफ, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है उसका एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर 50,000 तक के अंतर आप कर रहे हैं तो आपका ये इसमें टैक्स रेजिडेंशियल में 10% एंड नॉन रेजिडेंशियल में 10% लगता है। 193 193 सेक्शन जो है आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर आपने कुछ भी सिक्योरिटी पे रखा हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उस पर, इतने पर अगर आप हैं तो रेजिडेंशियल में 7.5% आपको टीडीएस पे करना होता है, और नॉन रेजिडेंस में ऐसा कोई रेट नहीं निर्धारित है। इस तरह से 194 डिविडेंड्स पर 5,000 उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, इस पर भी 7.5% टीडीएस चार्ज किया जाता है। 194A इंटरेस्ट बैंकिंग, जो आपके कॉपरेटिव बैंक होते हैं या को बैंकिंग है, बैंक की शाखाएं हैं, कॉपरेटिव सोसाइटी है, और आपकी पोस्ट ऑफिस, इस तरह से आपका जो इस पर जो टीडीएस चार्ज होता है वो 40,000 उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिसमें से आपका रेजिडेंशियल में 7.5% टीडीएस चार्ज होता है, नॉन रेजिडेंशियल में कोई चार्ज नहीं होता है। इसी तरीके से 194A इंटरेस्ट एनी अदर पर्सन, किसी भी अदर पर्सन से अगर आप इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर आपका ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 5,000 है, वहाँ तक आपको क्या करना है, 7.5% टीडीएस चार्ज होगा। इसी तरीके से 194B सेक्शन है आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, इस पर आपका 30-30% है। इसी तरीके से 194D इंश्योरेंस कमीशन अदर कंपनी या किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, जिस पर 3.75 या 10%, ये सब रेजिडेंशियल में ही लागू होता है, नॉन रेजिडेंशियल में नहीं होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आप देखें 194A DA सेक्शन है आपका मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी है तो उसका जो लिमिट पॉइंट है इस पर आपका 3.75 रेजिडेंशियल में चार्ज होगा, और इस पर आपके नॉन रेजिडेंशियल फॉर्मेट में कोई भी टैक्स रेट लागू नहीं होगा इस लिमिट। इसके बाद अगला सेक्शन है 194I रेंट, अगर आप किसी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट लैंड और बिल्डिंग फर्नीचर या कोई भी फिक्सचर का आप रेंट प्राप्त कर रहे हैं, मान लीजिए आप लैंडलॉर्ड हैं, तो आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगा यहाँ इस पर, ये आपका टैक्स रेट चार्ज किया जाता है 1.5 और 7.5। इट मींस रेंट प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट के लिए 1.5% रेजिडेंशियल में, और लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर्स पर 7.5 टीडीएस चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगला सेक्शन है 194IV रेंट बाय इंडिविजुअल, हब इंडिविजुअल और हब,
इसके लिए इसका 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट बनाया गया है पर मंथ का, और उस पर 3.5 रेजिडेंशियल में टीडीएस चार्ज होता है, नॉन रेजिडेंशियल में कोई भी टीडीएस चार्ज नहीं किया जाता है। इसी तरीके से जो प्रोफेशनल फीसेज होती हैं, जिसका 194J सेक्शन है, इसमें 30,000 थ्रेशोल्ड लिमिट बनाया गया है, जिस पर 7.5% आपका टीडीएस रेजिडेंशियल में चार्ज किया जाता है, नॉन रेजिडेंशियल में कोई चार्ज नहीं होता है। इसी तरीके से 195 लॉयल्टी, कोई भी अगर आप मिल रही है, आपको कोई भी नेटवर्क बिजनेस कर रहे हो या किसी भी आपके उसमें लॉयल्टी आपको प्राप्त हो रही है किसी भी तरीके से, तो उस पर आपका नॉन रेजिडेंशियल जो होगा वो 10% उस पर टीडीएस चार्ज होगा, रेजिडेंशियल पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। 195 में सेक्शन है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, यहाँ पर आपका कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं बनाया गया है, और आपका जो भी रेजिडेंशियल में कोई भी इस पर टैक्स रेट नहीं है टीडीएस का, बट नॉन रेजिडेंशियल में 10% टीडीएस रेट है। इसी तरीके से और भी हैं, तो जो ज़रूरत हो आपको उसको आप अदर किसी कंपनी में या किस तरह की सेवा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको उसका जहाँ भी आपको टीडीएस पे करना होगा आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा, कहने का मतलब डिडक्टी के अकाउंट से जो डिडक्ट करेगा उसको उसकी नॉलेज होगा, उसके पास उसका लिस्ट होगा, या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसका लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये है मेरा कंप्लीट जो मैंने आपको एक टीडीएस का परिचय दिया इस क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टीडीएस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें, बिकॉज जो मेरी अगली क्लास होगी वो टीडीएस को कंप्लीटली हम टैली में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, विद जीएसटी हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, मैं कंप्लीट उस वीडियो में बताऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।